हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल है ना? तो हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ना तो पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था उसके क्वेश्चन आंसर आज के दिन के आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप में इसके साथ इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा ठीक है ना तो उसमें से आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेना तो आज अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना ठीक है अपने थर्ड चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है ना सेपरेशन वर्ड का क्या मतलब होता है सब लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा सेपरेशन वर्ड है ना सेपरेशन मतलब होता है किसी भी एक चीज में से उस चीज को अलग करना सेपरेशन का मतलब होता है अलग ठीक अलग करना अलग करने के प्रोसेस को सेपरेशन बोलते हैं जैसे कि आ, आपकी क्लास में 25 बच्चे ठीक है उनमें से 10 बच्चे जो है उनके 90 परसेंट नंबर आए दूसरे बच्चों के उसमें से पांच बच्चों के 80 परसेंट नंबर आए और पांच बच्चे जो सेवेंटी परसेंट नंबर आए ठीक है अब इनमें से टीचर आके बोलता है ना कि 90 परसेंटेज वाले बच्चों को अलग निकाल दो एट्टी वाले अलग निकाल दो और पांच सत्तर वाले अलग निकाल दो तो ये अलग अलग करने का एक पूरे मिक्सचर एक पूरे आपकी पच्चीस बच्चों की क्लास थी उसमें से पंद्रह अलग दस अलग और पांच अलग तीन तरीकों में तीन ग्रुप्स में अलग अलग बांट दिए गए तो इसका मतलब होता है है आपके उस क्लास को सेपरेट कर दिया है, तीन चीजों में है है ना तो सब्सटेंस सब्सटेंस क्या होता है? का मतलब किसी भी एक चीज को कोई सी भी चीज चाहे आप अपने आप को गिन लो है ना किसी भी चीज को अगर कोई सी भी चीज आपके सामने पड़ी हो उसको सब्सटेंस कहा जाएगा तो आप सब जानते हो कि एक कोई सी भी सब्सटेंस जो है ना वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है जैसे अपनी क्लास है अपनी क्लास को अपन क्लास कब बोलते हैं जब उसके अंदर एक डस्टर होता है जब एक ब्लैक बोर्ड होता है एक टीचर होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं है ना तो उसको क्लास बोलते हैं पूरा वरना आप सोच वरना आप समझो कि मतलब आप चार बच्चे हो एक टीचर है बाकी कुछ नहीं है तो उसको ट्यूशन बोलते हैं तो क्लास को पूरा करने के लिए तीन चार चीजों को मिक्स करने के बाद वो क्लास पूरी क्लास बनती है अब आपके पास सब्जी है कोई सी भी सब्जी आलू की सब्जी अब आलू की सब्जी को बनाने के लिए क्या क्या चीज होता है तेल चाहिए होता है प्याज चाहिए होता है मसाले वसाले डाल के उसमें जैसा भी आप बनाते हो होते तो बहुत सारी चीजों को मिला के सब्जी बनाना होता है है ना अब इस चैप्टर में अपने समझेंगे कि अपने पास जो भी सब्सटेंस सब आलू की सब्जी है ना उस आलू की सब्जी में से प्याज को अलग करना है तेल को अलग करना है और मसाले वसाले सबको अलग कैसे करेंगे उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस को अलग अलग करना है ना तो एक वर्ड होता है मिक्सचर मिक्सचर सबने सुना होगा मिक्सचर एम आई एक्स टी यू आर ई -E, मिक्सचर मिक्सचर होता है जब बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं अपने पास में जैसे कि अपना मिक्सचर है मान लो चाय है अपने पास ठीक है अपने पास एक चाय है तो चाय अपना एक मिक्सचर है मिक्सचर कैसे ये तीन चार सब्सटेंसेस से मिलके बनी है कौन से कौन से सब्सटेंसेस जैसे कि मिल्क है ना सबसे पहले अपना आता है मिल्क चाय पत्ती है ना चाय पत्ती मतलब टी लीव्स, ठीक है फिर तीसरा आ जाता है शुगर फिर चौथा आ जाता है अपना जिंजर अदरक अगर अदरक वाली बनानी हो तो अदरक वाली है ना उसके अलावा लॉन्ग जो भी चीजें डालते हैं मसाला वसाला उसके अलावा वो सब तो एक अपना जो चाय का ये जो मिक्सचर है ना वो कितने सारे सब्सटेंसेस से मिलके बना है चार सब्सटेंसेस कौन से मिल्क टी टील शुगर और जिंजर अपन इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो एक मिक्सचर बना है ना वो कौन से कौन से अलग अलग सब्सटेंसेस से बना है ठीक है इस चैप्टर को समझते हैं अभी इंट्रोडक्शन बताते हैं इंट्रोडक्शन क्या बोलता है अपना इन डेली लाइफ वी यूज अ वेराइटी ऑफ मटीरियल सच एस एयर मिल्क फ्रूट एंड ग्रीनस

कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो अपन यूज में लिया करते हैं जैसे कि अपना एयर एयर अपने, अपने आसपास में बहुत है ना एयर को अपन हटा वटा नहीं सकते किसी भी चीज में तो एयर है दूध को अपन यूज करते हैं फ्रूट्स हो गया ग्रेन्स हो गया ग्रेन्स अपने वो जो गेहूं वगैरह होता है ना गेहूं मक्का जो भी अपन खाते हैं ना उन सबको ग्रेन्स बोला जाता है ठीक है तो जैसा कि आप सब जानते हो ये सारी चीजें ना बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है ना ये सारे मिक्सचर है मान लो एयर जो है ना किस चीज का मिक्सचर होता है जैसे कि बहुत सारी गैसेज हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारे मिलते हैं सब एयर के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारी चीजें तो जो होती है जो अपन वैसे की वैसे यूज कर लेते हैं अब जो एयर है एयर में से ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास आपको एक हवा आ रही है हवा का झोंका आ रहा है तो आप उसमें बोलोगे कि ऑक्सीजन मेरे आसपास मत आ जाना सिर्फ नाइट्रोजन आना ऐसा हो सकता है नहीं ना बहुत सारी चीजों को अपन ऐसा यूज करते हैं ठीक है अपन सांस लेते हैं अपन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन अकेले आती है आती तो सारी गैस अंदर बहुत सिर्फ ऑक्सीजन अपनी बॉडी ले पाती है बाकी सब अपनी बॉडी छोड़ देती है ऐसा प्रोसेस होता है ठीक है इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको अपन एज सच में जैसा है वैसा का वैसा यूज कर लेते हैं मिक्सचर के फॉर्म में लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको अपन उस सब उस मिक्सचर में से कुछ चीजों को सेपरेट करके यूज करते हैं जैसे कि जो अपना गेहूं होता है ऐसा तो नहीं है कि गेहूं जो अपन उगाते हैं वैसा का वैसा खा जाते हैं नहीं ना गेहूं आता है पहले उसकी कटाई होती है फिर उसके अंदर से जो बीज होते हैं ना बीज क्या उसके अंदर से जो गेहूं होता है ना है ना उस गेहूं को एक एक करके निकाल दिया जाता है एक मशीन की यूज करके ऐसे अलग अलग निकाल के फिर उसको यूज करते हैं तो ग्रेन्स को अपन यूज करके का जो होता है ना उसका वो ऐसा उड़ने उसका जो होता है ना पत्ता पत्ता जो खराब सा उसका गंदगी वगैरह होती है ना मिट्टी वगैरह उन सबको हंस बोलते हैं ना तो जब भी अपन ग्रेन्स किसी भी खाने लायक चीज को कर उसके ऊपर से वो सब साफ कर देते हैं फिर उसको खाते हैं उसके अलावा मडी वाटर मडी वाटर मतलब कीचड़ का जो पानी होता है आसपास में जो भी पानी होता है ना वहाँ पे आसपास मिट्टी होती है जैसे जैसे कि अपना आ, आ, जैसे लेक होती है ना तालाब वगैरह होता है अब आप कुछ सोचो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तालाब के आसपास मिट्टी वगैरह ना हो है ना तो उस मिक्सचर के अंदर मिट्टी भी है कीटाणु भी है बैक्टीरिया भी है जो पानी वानी है ना अब ऐसा तो नहीं है अपन उस सबको एक साथ निकल जाता है ऐसा नहीं होता ना अपन उस अपने वो घर पे आता है वो फिल्टर होता है फिर अपन उसको पीते हैं तो अपने उस पानी में से को हटा देते हैं का का जो भी गंदी करते तो इस नहीं ये सब पढ़ेंगे कि क्या, चीज़, क्या होता है उनको कैसे सेपरेट करते हैं वो सब पढ़ेंगे बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत आराम से अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है तो स्टार्ट करें तो चैप्टर अपना स्टार्ट करते सबसे पहला है अपने पास में पुअर सब्सटेंस सॉरी प्योर सब्सटेंसेस सब्सटैसेस प्योर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है ठीक है प्योर जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध ठीक है ऐसा शुद्ध शुद्ध का मतलब जो कि बिल्कुल ही साफ का साफ जैसे कि, है ना? जो होता है, जैसे कि सबसे प्योर वाटर है, है, दे है देखो जो बादल में से गिरता है अब उसमें आपको क्या लगता है मिट्टी विट्टी आती है नहीं अब बादलों में मिट्टी थोड़ी बादल मिट्टियों से बन, बना थोड़ी होता है तो उसमें ना मिट्टी होती है अब वो आसमान से डायरेक्ट गिरता है तो बैक्टीरिया वैक्टीरिया उसमें रह नहीं पाते है ना तो उसके अलावा जो भी गंदगी होती है ना वो उस पानी के अंदर मिक्स ही नहीं हो पाती क्योंकि उसके आसपास का एरिया वैसा है ही नहीं तो सिर्फ वो पानी का पानी गिरता तो अपने पास जो पानी बारिश का आता है ना वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का होता है सबसे शुद्ध होता है उसके अंदर पानी के अलावा और कोई सा भी कुछ भी नहीं होता उसके अंदर सब्सटेंस वगैरह ठीक है और दूसरा है मिक्सचर मिक्सचर अब ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सब कुछ मिक्स है अब जैसे अपना तालाब है एक अपना बारिश का पानी जो बिल्कुल प्योर है एक अपना तालाब का पानी जिसके अंदर मिट्टी भी मिक्स है बैक्टीरिया भी मिक्स है काई वाई जम जाती है तो वो भी मिक्स हो जाता है है ना फिर अपने आंटी वगैरह ऐसे कपड़े-वपड़े धोने जाती है 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 ना ना तो 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 उनका वो 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 साबुन का जाग-वाग भी सब मिक्स मिक्स हो हो जाता जाता तो सारा मिला के वो जो पानी बनता मिक्सचर बन जाता एक ठीक क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस चुके हैं प्योर नहीं रहा तो ये होता ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस फॉर एग्जाम्पल आयरन कॉपर शुगर सॉल्ट वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्सा देखो ये तो केमिस्ट्री वाले पार्ट में आके चलो मैं समझा देता हूं इधर आपको चलो चीज क्या होती है देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड देखो दो वर्ड है अपने पास में एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड देखो एलिमेंट का मतलब होता है कोई से भी एक प्योर चीज जिसके अंदर किसी भी चीज का कोई मिक्सचर नहीं होता जैसे कार्बन जो होता है ना कार्बन खुद में अपना अलग ही होता 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 है है जिसका किसी में मिक्सचर नहीं होता, एक ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप में अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं जैसे कि एक क्लास है ठीक है क्लास के अंदर दस बच्चे हैं तो उसको पूरा मिला के एक क्लास बोला जाता है ठीक है अब उस क्लास के अंदर एक अर्जुन नाम का लड़का है वो खुद में अपने आप अप अलग एक है ना है ना अब टीचर ने बोला है कि तीन ग्रुप बनाने ठीक है तो फेवरेट कलर वाइज तीन ग्रुप बनाने तो जो आपकी क्लास के तीन बच्चे थे उन्होंने बोला कि हम तीनों मिला के ब्लू का ग्रुप बनाएंगे बाकी तीनों ने बोला कि हम तीनों मिला के रेड का ग्रुप बनाएंगे और बाकी जो तो चार बच्चे उन्होंने बोला हम वॉलेट का ग्रुप बनाएंगे ठीक है अब देखो अब जब वो अर्जुन जैसे कि चलो नाम ले लेते हैं एक एक सबका नाम ले लेते हैं ठीक है तो जैसे अपनी क्लास में एक बच्चा है अर्जुन नाम का ठीक है एक बच्चा है अर्जुन नाम का दूसरा है प्रकाश नाम का ठीक है तीसरी है निधि नाम की ठीक है और चौथा है अपना दिव्यांशी को ले लेता है ठीक है अब ये चार बच्चे हैं, देखो जब तक टीचर ने बोला नहीं कि भाई की एक ग्रुप बनाना है क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं चार बच्चे हैं अलग अलग ठीक है ये अपने आप में क्योंकि ये खुद अलग अलग है तो ये अपने आप में है, बिल्कुल अलग अलग है प्रकाश भी एलिमेंट है जब अकेले अकेले है ठीक है निधि भी अकेली है तो इसको एलिमेंट बोल दो दिव्यांशी भी अकेली है तो ये भी एक एलिमेंट है ठीक है अब टीचर ने आके बोला कि तुम लोग दो दो का ग्रुप बनाओ कलर वाइज तो निधि और दिव्यांशी तो लड़कियां है इन्होंने बोला कि हमारा तो परफेक्ट कलर पिंक ही है हम तो पिंक ही लेंगे है ना तो इन्होंने एक ग्रुप बना दिया पिंक कलर का दूसरे थे अर्जुन और प्रकाश इन्होंने बोला कि हमारा फेवरेट तो ब्लैक है हम हमेशा ब्लैक रहेंगे ठीक है हमारा ब्लैक कलर फेवरेट है हम ब्लैक ही यूज करेंगे तो अब देखो अब ये दोनों ने मिलकर अपना एक पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया ब्लैक कलर का ग्रुप है ना तो अब ये क्या हो गया मिक्सचर हो गया क्योंकि इसमें दो अलग अलग, अलग एलिमेंट अलग अलग टाइप के दो एलिमेंट मिल करके एक मिक्सचर में एक कलर को चूज किया है ब्लैक को तो अब मिक्सचर में चेंज हो गए ठीक है अब समझ में आया एलिमेंट और मिक्सचर में फर्क समझ में आया तो ये दोनों भी जब निधि और दिव्यांशी जब अलग, अलग अलग थे तब उनका एलिमेंट तब उनका एलिमेंट था, वो एलिमेंट फॉर्म में था क्योंकि वो प्योर था उनका खुद का अलग पर्सनैलिटी था अलग उनकी सोच थी तो निधि का अलग था तो वो एक एलिमेंट थी दिव्यांशी का अलग था तो एक एलिमेंट थी ठीक है अब दोनों ने सोचा कि मिक्स होकर अपन दोनों का पिंक कलर फेवरेट है अपन एक ग्रुप बनाते था पिंक कलर का तो दोनों दोनों जब एलिमेंट मिल गए तो जो बना पिंक कलर का एक ग्रुप उसे कह दिया जाता है मिक्सचर ठीक है ये कुछ लिखने का नहीं बस समझाने के लिए मैंने बताया आपको ठीक है समझ में आया ना एलिमेंट्स और कंपाउंड का मतलब ये होता है एलिमेंट्स और मिक्सचर का फर्क हाँ तो अब ये जो चारों एलिमेंट्स थे ये जो अलग अलग खुद में अपने आप में मिक्सचर जो बिल्कुल ही अलग यूनिक थे जो बिना किसी मिक्सचर बिना किसी मिक्स किए बिना किसी कॉम्बिनेशन के बने थे तो वो सब क्या कहलाते हैं प्योर सब्सटेंसेस तो अगर एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखे जाए तो कौन से हैं आयरन आयरन कॉपर शुगर सॉल्ट वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई सारी मिक्सचर नहीं है अब अगर अपन एयर बोल देते हैं है ना अब एयर में क्या होता है वाटर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसी बहुत सारी गैसेस वैसेस मिल करके एक अपना ग्रुप बना लेती है जो कि एयर एयर क्या कहलाएगा ऑक्सीजन क्या मिक्सचर कहलाएगा ठीक है और ये जो अकेले अकेले अलग, अलग अलग रहेंगे ये क्या आप क्या खुद में क्या कहलाएंगे? क्या क्या एलिमेंट्स या फिर प्योर सब्सटेंसेस, समझ फॉर एग्जाम्पल द ऑफ शुगर सच एज टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट देखो हाँ जो प्योर सब्सटेंस होता है मैंने आपको बताया कि जो प्योर एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस जो होता है जैसे कि अर्जुन था या प्रकाश था मान लो अब दोनों की खुद की अलग अलग पसंद थी है ना दोनों की खुद की अलग अलग हाइट थी दोनों की खुद की अलग अलग कलर वालर जो भी जो भी उनका था वो अलग अलग था जब स्टार्टिंग में टीचर ने कुछ नहीं बोला तो जो भी प्योर सब्सटेंस होता है ना उसकी खुद की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि दूसरे से अलग बनाती है उससे है ना तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं जैसे एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने जो शुगर होता है शुगर मतलब अपना जो चीनी होता है ना उसका खुद का अलग टेस्ट होता है अब शुगर जैसा अलग शुगर जैसा का जैसा कोई टेस्ट आपको नहीं मिल सकता क्योंकि वो खुद एक प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है है ना उसी तरह सॉल्ट है सॉल्ट का नमकीन सा टेस्ट होता है है ना अब उसका जो टेस्ट है वो अपन सॉल्ट से अपन शुगर से नहीं मिल सकता सॉल्ट का जो टेस्ट है वो सॉल्ट से ही मिलेगा शुगर से नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अलग है तो सॉल्ट खुद में एक प्योर सब्सटेंसेस है जिसको किसी और की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज में जागे की जरूरत नहीं प्रॉपर्टीज मतलब होते अपने गुण जो अपना गुण है ना उसी में खुश रहते हैं ठीक है तो ये होता है प्योर सब्सटेंसेस तो प्योर सब्सटेंसेस के पास क्या होता है uh, मतलब एक प्योर सब्सटेंस के पास होती है सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट बल्क सेम प्रॉपर्टी होती है चाहे उसको कभी भी कैसे तो जैसे शुगर चीनी है चीनी का एग्जाम्पल लेते हैं सब मस, समझ में आएगा एक एक प्रॉपर्टी में चीनी है अपनी चीनी को अपन मान लो अभी आपने रखा आज के दिन आपने दुकान से खरीद के ला के रखा पैकेट खोला अपन ने डब्बे में डाल के रखा अब अगर आप उस चीनी को परसों शाम को देखते हो तो क्या वो नमकीन क्या अपने वो नमक में चेंज हो जाएगी नहीं ना चीनी ही रहेगी मीठी ही लगेगी नमकीन तो लगने से रही तो जो भी सब सब्स, प्योर सब्सटेंस होता है ना उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना जो उसका जो गुण होता है ना वो बहुत टाइम तक वैसा का वैसा बना रहता है चाहे उसको अपन कुछ भी कर दे अब जैसे चीनी से अपन चाय बनाते हैं तो मीठी ही रहेगी ऐसा नहीं है कि खट्टी हो जाएगी चीनी को अगर अपन किसी भी चीज मिल्क शेक में यूज करते तो भी मीठा ही बनाएगा वो वो उसको नमकीन नहीं बना देगा है ना तो चाहे कोई सा भी प्रोसेस यूज करे तो प्योर सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टी में खुश है कि भाई मेरे को मीठा रखना है तो मैं मीठा ही रहूंगा मेरे को खट्टा रहना है तो मैं खट्टा ही रहूंगा ऐसा कैसा ठीक है दूसरा पॉइंट है अपने पास में फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दो चीजें हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंसेस की दो मेन प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग मेल्ट वर्ड का मतलब पता है पिघलना किसी भी चीज को पिघाल देते हैं ना तो उसको बोलते हैं मेल्ट कर देना तो किसी भी चीज की ना एक ऐसी पॉइंट एक ऐसा टेंपरेचर होता है जहां पे जाके हर चीज पिघल जाती है है ना जैसे कि ये फोन है ठीक है ये एक फोन है इस फोन को अगर अपन मैं थोड़ा सा एक माचिस से लगाऊं तो वहां पे काला काला निशान पड़ जाएगा लेकिन वो पिघलेगा थोड़ी लेकिन अब एक मतलब एक कोई अपन आग लगा के आग में डाल दू थोड़ी देर थोड़ी देर तक तो वो गर्म होगा गर्म होगा हो, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये पूरा फोन पिघल पिघल के पिघल पिघल के डाले सो घर पे ट्राई मत करिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना ठीक है तो फिर एक मेल्टिंग पॉइंट जैसे ये मेल्ट हो जाता है ना वैसे एक बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस को अपन पिघलाते हैं ना जो भी सब्सटेंसेस को अगर, अगर अपन हीट करते हैं गर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से भाप बन के निकलना वाटर वेपर वेपर फॉर्म में आना वेपर का मतलब भाप बन के फॉर्म में बाहर निकल जाना है ना वो कहलाता है तो हर चीज की जैसे कि शुगर है शुगर का अगर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बीस डिग्री सेल्सियस है मतलब मान लो छोटा सा गर्मी दे दिया मतलब बीस तो नहीं एक हिसाब से मान लो चालीस डिग्री देने पर पिघल जाती है अपनी शुगर है ना तो वो हमेशा 40 डिग्री पे पिघलेगी ही पिघलेगी ना उनचालीस पिघलेगी ना 41 पे पिघलेगी वो हमेशा 40 पे पिघल जाएगी तो उसका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ठीक है डेफिनेट डेंसिटी 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 क्या होता है वर्ड का मतलब होता है कि, कि किसी भी चीज में मतलब कि उसकी साइज और उसके भार के ऊपर में डिपेंड करता है जैसे कि, आ, इसका एक जैसे कि कोई सांपल में लू मैं हाँ, एक शुगर क्यूब है चीनी का एक बड़े बड़े कट्टे होते हैं ना तुमने देखे होंगे ना एक बड़ा सा बॉक्स बॉक्स में पूरा ये चीनी का एक होता है 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 ठीक ठीक इसको शुगर क्यूब बोलते हैं है? अब क्या होता है इसकी डेंसिटी कैसे निकाली जाती है कि मान लो ये दो न, दो ग्राम का है ठीक है और ये पूरा का पूरा एरिया घेर रहा है पूरा वॉल्यूम है इसका मान लो तीन मीटर क्यूब ठीक है तो इसकी डेंसिटी कैसे निकाली जाती है दो बाई

तो आज का ये लेक्चर आई थिंक सही है इसको यही खत्म करते हैं कल के दिन इसके बारे में अपन समझेंगे ढंग से सीखेंगे और बहुत बढ़िया हाँ चैप्टर है बहुत मजा आने वाला है ठीक है पूरी क्लास देखते रहना ऐसे ही समझेंगे ठीक है तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं सो टेक केयर गुड बाय थैंक यू